हेलो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूँगा बाइक के लिए आने वाली एयर सीट के बारे में। ये मैंने एयर सीट खरीदी है, 1700-1800 रुपये की मुझे मिली है, ये अमेजोन से मैंने मंगाई है। तो ये कुछ देखने में इस तरीके से होती है, इसके ऊपर एक कवर है, अंदर एक इसकी जो मैन सीट है उसके अंदर होती है, ये ऊपर एक कवर है। तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ अंदर से ही कैसे लगती है। अंदर से कुछ इस तरीके की सीट होती है, इसमें एयर के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। तो जैसे ही हम इसमें एयर भरते हैं तो ये कंपार्टमेंट फूल जाते हैं हवा से, जो कि हमें राइड के दौरान हमारे कंफर्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। बाकी एयर फिल करने के लिए साइड में इसमें यहाँ पे एक नोजल दिया हुआ है, कुछ सीट्स में इनबिल्ड आता है, हम उसको पुश करके उसमें एयर भर सकते हैं और वहाँ उधर से ही हम उसमें से एयर को भी बाहर निकाल सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। बट इसमें नहीं है, इसके लिए मुझे अलग से एक पंप खरीद इसके साथ ही सीट के साथ ही मेरे एक पंप मिला मुझे, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं उस पंप का और भी काफ़ी काम इसे अपने कर सकता हूँ, जैसे कि घर में बहुत सारे सीट्स होती है, बॉल होती है, या फिर बाइक में हवा भरने के लिए भी ये पंप काम आता है। तो इस पंप से यहाँ पे लगा के इसको हम अपने अकॉर्डिंग इसमें एयर फिल कर सकते हैं। ये पंप काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छा पंप है। मुझे सीट को लिए हुए 3 से 4 महीने हो गए और मैंने 200 किलोमीटर तक की इस पर राइड की है। तो इसमें हवा आप अपने कंफर्ट के हिसाब से भर सकते हैं, जो कि आपको जहाँ तक आपको ठीक लगे। बाकी मैं बात करूँ सीट के कंफर्ट के बारे में, तो सीट बहुत अच्छी है, मैं इसको 100 में से 100 ही नंबर दूंगा कंफर्ट के मामले में। बिल्कुल भी झटका नहीं लगता है, बिल्कुल भी पीठ में दर्द नहीं होता है, और लंबी राइड के दौरान जो हमें जलन होती है बॉडी में, तो वो भी बिल्कुल नहीं होती है। तो ये सीट है, इसके ऊपर ये कवर है, कॉलर जो कि कवर होता है, ये जाली नुमा है ताकि एयर का जो फ्लो है बॉडी के साथ वो बना रहे। सीट कंप्लीटली देखने में कुछ ऐसी है, जैसे हम वहाँ से एयर फिल करते हैं तो इनके अंदर एयर इक्वली भर जाती है। बाकी पीछे से देखने में कुछ ऐसी लगेगी सीट आपको, क्वालिटी में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगा हुआ है इसमें। तो कभी भी मुझे 3 से 4 महीने तक मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि इसमें कहीं से हवा लीक हो रही है, या फिर कोई मुझे इशू मैंने इसमें अभी तक नहीं देखा है। ऐसा भी नहीं है कि हवा इसमें से अपने आप निकल जाती है, जब जैसे मैंने इसमें स्टार्टिंग जितनी मैंने इसमें स्टार्टिंग में हवा भरी थी वो उतनी ही इसमें हवा अभी तक है। कवर की ये जाली हमें एयर के लिए फ़ायदा है, क्योंकि जब हम कवर बंद कर देते हैं तो एयर का जो क्या बोलेंगे, एयर बनी रहती है, जिससे कि बॉडी में जलन नहीं होती है। हमारी बॉडी में जलन तभी होती है जब हमारा एयर का फ्लो बंद हो जाता है। तो अब ये पीछे कुछ बेल्ट दी गई है, अपनी बाइक की सीट को ओपन करके आप इन बेल्ट के थ्रू उसमें अच्छे से सेट कर देना, ताकि ब्रेकिंग के दौरान ये सीट आगे पीछे ना हो, ये बेल्ट इसीलिए दी गई है। अब मैं इसको उसमें लगा के बंद करके आपको बाइक पर दिखाता हूँ, ये बाइक पर लग के कैसी लगती है। थोड़ा सा मेरे हिसाब से कॉस्टली है, 1700-1800 रुपये में महंगा है, क्योंकि अगर हमें पीछे की भी सीट लेनी होगी तो दोनों सीट मिला के 3 से 3500 का खर्चा हो जाएगा, जो कि मुझे थोड़ा सा महंगा लगा। बट अगर मैं इसे कंफर्ट की बात करूँ तो इसका कोई जवाब नहीं है, बहुत बेहतरीन सीट मुझे ये लगी। चलिए, ये इसका पंप है, पंप को आपको कैरी करना होगा जब भी आप कहीं जाएंगे, तो ये पंप आपके बहुत काम आएगा अपनी बाइक बाइक में हवा भरने के लिए, और सीट में अपने कंफर्ट के हिसाब से हवा कम या ज़्यादा करने के लिए। तो ये पंप इतना छोटा पंप है, क्या बहुत आसानी से आपके बैग में कहीं पे भी ये आ जाएगा। अब मैंने बाइक पे ये सीट वैसे ही रख दी है, आप सीट को ओपन करके इसे अच्छे से लगाना।
सीट की चौड़ाई और लंबाई बहुत बेहतरीन है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी जब आप इसमें हवा करते हो, बाइक पे लगाते हो हवा भरने के बाद और उस पर बैठते हो, तो जहाँ पर आप बैठते हो वहाँ पे दबाव के कारण उस कंपार्टमेंट की एयर बराबर वाले कंपार्टमेंट में चली जाती है, जिससे ये होता है कि सीट हमारी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट होके हम बिल्कुल बेहतरीन शेप में आ जाती है, जो कि हमें राइड करते टाइम बहुत बेहतरीन लगता है। बाकी इसका डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा है कम हाइट वाले लोगों के लिए। अगर आपकी हाइट कम है तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि इससे आपका बाइक से कंट्रोल अच्छे से नहीं रह पाएगा और बाइक पैर वैर आपके नीचे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम से कम 1 से 2 इंच है। तो 1 से 2 इंच हाइट ऊंची हो जाएगी बाइक की आपकी, तो जिससे आपका कंट्रोल और पैर वैर रखने के लिए आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो जो कम हाइट वाले लोग हैं वो उसको ना ले, अगर लेना है तो अपनी सीट को इसी के अकॉर्डिंग कटवा ले। थैंक यू।